हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा मैनेजमेंट टेक्निकल के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई है। टोटल 249 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 25 जुलाई 2024 तक फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट्स के बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 249 मैनेजमेंट ट्रेनेड टेक्निकल एंड सेल थ्रू गेट 2024 के थ्रू ये वैकेंसीज है निकाली गई है। नीचे अब नंबर ऑफ वैकेंसीज के आप देखो तो एक तरीके से कहें कि ये इंजीनियरिंग के पदों के लिए ही वैकेंसी है निकाली गई, जो कि इसके प्लांट्स और यूनिट्स है या माइंस है उसके लिए अक्रॉस द इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटीटी के टोटल 249 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप केमिकल डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे 10 वैकेंसी है, सिविल की 21 वैकेंसी है, कंप्यूटर की 9 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की 61 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 11 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 69 वैकेंसी और मेटल की बात करें तो यहाँ पे 63 वैकेंसीज है वो निकाली गई। आगे आपको जो कोरेस्पॉन्डिंग गेट पेपर है उसके कोड भी हुए, इसी में आप पास आउट होने जरूरी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ब्रेकअप देखोगे तो अनरिजर्व की 103 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की यहाँ पे 67 वैकेंसी है, एससी की 37 वैकेंसी है, एसटी की 18 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 24 वैकेंसी निकाली गई। अपर एज लिमिट 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, यानी कैंडिडेट का जन्म है वो 25/7/1996 के बाद का नहीं होना, पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिखी है, जिस जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष वो रखी गई है 25/7/2024 के अकॉर्डिंग है। कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी काउंटिंग की जाएगी। एससी एसटी के कैंडिडेट को इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की, फिजिकल डिस डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे 10 से 15 साल की छूट है वो दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसको यहाँ पे 45 साल की तक छूट दी जाएगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो कैंडिडेट है उसके 65% मार्क्स है वो कैंडिडेट्स के होने जरूरी है। टोटल 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और जो मेटल की कैंडिडेट है वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अब मैकेनिकल में कौन कौन सी डिसिप्लिन है जिसको शामिल किया गया, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, मेटलिकल और इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल और सिविल और कंप्यूटर में आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको 55% मार्क्स यानी 10% की यहाँ पे छूट है वो दी गई है। नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड तो कैंडिडेट है वो अच्छा मेडिकल साउंड उसका अच्छा होना जरूरी है, कैंडिडेट मेडिकली फिट होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट की जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसकी गेट स्कोर 2024 के आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नीचे आप देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें एक पोस्ट के अगेंस्ट 12 कैंडिडेट के ईच जो डिसिप्लिन है उस पर बुलाया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पर, तो शुरुआती तौर पर कैंडिडेट को 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप प्रोविजन के तहत अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। उसके बाद 1 साल की यहाँ पे कैंडिडेट को प्रोबेशन पीरियड है वो दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कैंडिडेट को 50,000 रुपये बेसिक पे है वो कैंडिडेट को दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को 60,000 से 1,80,000 के जो पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप सीपीसी की बात करें तो 16 से 17 लाख रुपये पर मंथ पर एनम यहाँ पे कैंडिडेट की इनकम होनी है। प्लेसमेंट है वो यहाँ पे जितने भी सेल के प्लांट्स, यूनिट, लोकेशन है
उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट है वो किया जा सकता है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई फॉर सेल एमटीटी की बात करें तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.sale.co.in या www.salecareers.com पे जाके ऑनलाइन मोड में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट एक साल तक आपके एक्टिव रहे, गेट 2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा, पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी है 700 रुपए, जनरल कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए प्रोसेसिंग फी, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के ये रखिए कि आप ऑनलाइन मोड में पेड है वो कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद में आपको जो नोटिफिकेशन में जो प्रोसेस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इंडियन नेशनल्स है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5/7/2024 से भरना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 25/7/2024 रखेगी। तो दोस्तों इसमें जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन प्लस गेट 2024 का वैलिड स्कोर कार्ड है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट को इंजीनियर के तौर पे यहाँ पे रिक्रूट है किया जाएगा, शुरुआती तौर पे उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए के रूप में रखा जाएगा। कैंडिडेट को यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी और जो फैसिलिटीज है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो कि एप्लीकेबल है कंपनी में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके फुली चेक वो कर सकते हो। और कैंडिडेट का सिलेक्शन का यहाँ पे रेशियो आप देखोगे तो यहाँ पे गेट 2024 के जो स्कोर कार्ड है उसको 75% वेटेज दिया जाएगा और जो ग्रुप डिस्कशन को 10% इंटरव्यू है उसको 15% वेटेज देते हुए कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।